हर साल की तरह इस साल भी भाई दूज के शुभ अवसर पर दूर दूर से बहनें जेल में बंद अपने भाइयों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। भाई दूज के इस अवसर पर जेल प्रशासन के द्वारा भाई बहनों की मुलाकात के लिए रूटीन व्यवस्था की गई, जिसमें फ़ोन के माध्यम से बहनों ने अपने भाइयों से बात की, जहां एक तरफ कुछ बहनों में इस बात का रोष भी रहा कि आमने सामने की मुलाकात नहीं कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कारणों को लेकर इस प्रकार की रूटीन मुलाकात को करवाया गया कि जहां जेल प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई कि कोई भी बहन बिना मुलाकात के वापस ना लौटे। जेल अधीक्षक ने बताया कि जहां रोज 100 से 150 लोग रूटीन मुलाकात में आते हैं, वहीं आज त्यौहार के इस अवसर पर करीब 350 लोगों की मुलाकात कराई गई। मुलाकात के लिए आए थे कि हम सोचे कि अंदर की होगी, भाई के लिए टीका लगाने के लिए आए थे, हमको टीका लगाने को नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि हमको अंदर की मुलाकात होना चाहिए और हमारी नहीं हुई, हम बहुत दूर से आए हैं। जी मेरी माँ है, मेरा भाई को सज़ा पड़ गई है, मेरे भाई खूब रोता रहा, कह रहा था अंदर की मुलाकात लेना है। कहाँ से आई हैं आप? जी क्या कहते हैं, हम लोग बल्ला क्षेत्र से आए हैं, अंजना झारी है। 17 साल का लड़का है मेरा, लड़की ने मजबूर किया है लड़के को लेको भाग गई लड़की जबरदस्ती से, मेरे लड़के को पुल में खड़ी थी बर्गी डैम में मरने के लिए। यहाँ क्यों आए? मैं अपने लड़के से मुलाकात करने के लिए आए हूँ। हो गई मुलाकात? हाँ, मेरे लड़के को फंसा दी जबरदस्ती में। मीना आए, सोचे थे कि अंदर से मुलाकात हो जाएगी लेकिन नहीं हुई, अब सोचे कल हो जाएगी तो वो भी नहीं हो रही कल, अब पता नहीं आमने सामने तो हो नहीं रहे, रक्षाबंधन में भी खुल गया पता नहीं चला, रह गए पता नहीं, जो पास में थे उनको पता चल गया। मुलाकात हुई किस तरह से हुई? मोबाइल से हुई, कांच से, हाँ फोन पर कांच के, अच्छे से बात करने मिल गई। हाँ मिल गई, अच्छे से बात करने तो मिली। बाकी सब कुछ अच्छा है? बाकी सब तो अच्छा ही है, अच्छा इंतजाम। हाँ अच्छा है, बाकी हर चीज मिलता है, भाई है, हम लोग पार्टनर, उसकी बहन है रेठरा से आए हैं, मम्मी है कोनी से, ऐसे भाई भी आए हैं 3, सुमन चक्रवर्ती। बाकी सब जैसा कि आपको पता है, भाई दूज का बंधन हो या कोई भी तीज त्यौहार हो, जेल में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते रहे हैं। रक्षाबंधन का जो हमारा भाई दूज का मुख्य त्यौहार पर्व रहता है, उसमें हमारा प्रयास रहता है कि बहनें आमने सामने बैठ कर के अपने भाइयों से मिल सकें, रक्षाबंधन का पर्व मना सकें। बाकी जो हमारे भाई दूज ये दीपावली पे और अन्य अवसर पर रहते हैं, इसमें हमारी रूटीन मुलाकात रहेगी और प्रयास ये रहेगा कि कोई बहन वापस ना जाए। परिवार के दूसरे लोग भी आती हैं, बहनों के अलावा माएँ आती हैं, उनकी पत्नियां आती हैं या दूसरे परिवार के सदस्य आते हैं, उनकी हमने विशेष व्यवस्था अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा करके की है। अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है वो सामान हम देते हैं, और उसमें अगर कोई अक्षम या निर्बल या कुछ ऐसे कुछ बहनें भाई दिखाई देते हैं उनके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। बाकी हमारी रूटीन मुलाकात व्यवस्था होगी जैसे कि की जाती रही है। आज जैसे 315, आज भी काफ़ी बहनें मिलकर के गई हैं, काफ़ी परिवार वाले मिलकर गए हैं। वैसे रूटीन मुलाकात हमारी 100-125 की रहती थी, आज कभी कभी 325 लोग ये बहनें वगैरह और परिवार के लोग मिल के गए हैं, व्यवस्था है हमारी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।